देहरादून से खबर मिल रही है, उत्तराखंड सरकार ने घटाई कोविड टेस्ट की कीमत, 669 रुपए में कोविड टेस्ट किया जाएगा। कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट पहले 719 रुपए में होता था। रैपिड एंटीजन टेस्ट, आपको बता दें, कोविड कंट्रोल की मुहिम के तहत ये कदम उठाया गया है, तो टेस्ट की कीमत जो है वो घटा दी गई है, 669 रुपए फिलहाल ये कर दी गई है। और पहले अगर बात की जाए तो 719 रुपए में कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता था, लेकिन अब इसकी कीमत घटाकर 669 रुपए कर दी गई है। तो ये आपको बता दें 679 रुपए इसकी कीमत कर दी गई है। रामानुज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। रामानुज, कीमत घटाई गई है अब एंटीजन टेस्ट की, यहाँ पर कम पैसे यहाँ पर लोगों को अब देने होंगे पहले की अपेक्षा। बिल्कुल शिल्पा, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है, इससे लोगों को राहत मिलेगी। एंटीजन टेस्ट एक्चुअली उसकी जो रिपोर्ट आती है वो तुरंत मिल जाती है 5 मिनट के अंदर में, और ऐसे में लोगों की ये मांग भी थी कि सरकार को एंटीजन टेस्ट की कीमत जो है उसको घटानी चाहिए। जो प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों में फिलहाल टेस्ट होता था वहाँ चूँकि ज़्यादा पैसा लगता था, इसलिए लोगों ने मांग की थी, उसके मद्देनज़र सरकार ने फैसला किया है। लेकिन इसमें एक बात और भी रखी गई है, जो प्राइवेट लैब लगातार टेस्ट कर रही है, सरकार ने कहा कि ICMR और प्रदेश का जो सर्विलेंस है और CMO कार्यालय, वहाँ पर इस रिपोर्ट की जानकारी देनी होगी। यानी प्राइवेट लैब अगर किसी तरह से किसी भी तरह का कोई टेस्ट करते हैं, एंटीजन टेस्ट करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट तत्काल CMO कार्यालय को भी देनी होगी। तो सरकार की लगातार कोशिश यही है कि कम से कम लोग जो आ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हैं या उत्तराखंड में लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाए और उनकी रिपोर्ट को भी सरकार को पता चले कि आज कितने लोगों की रिपोर्ट हुई है। और मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश में तकरीबन 16,000 अभी जो है वो टेस्ट के लिए सैंपल भरे गए हैं, उसकी एक दिन में जो है सैंपलिंग तकरीबन 10,000 से 11,000 की टेस्ट हो जाता है। तो सरकार लगातार टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट हो सके। शिल्पा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज, तमाम जानकारी देने के लिए।